हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गिलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गिलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, हम फोटोग्राफी सीख रहे हैं और फोटोग्राफी के पिछली कुछ क्लासेस में हमने बेसिक फोटोग्राफी के बारे में जाना और आज भी हम बेसिक फोटोग्राफी का मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मीटरिंग मोड। तो दोस्तों, मीटरिंग मोड कैमरे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये कैसे काम करता है और कितने प्रकार के मीटरिंग मोड होते हैं, तो आइएगा दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। और इनके बारे में जानने से पहले दोस्तों, आपको लाइट सोर्स के बारे में जानना होगा, कितने प्रकार के लाइट सोर्स होते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार के लाइट सोर्स होते हैं, एक डायरेक्ट लाइट सोर्स होता है और एक रिफ्लेक्टेड लाइट सोर्स होता है। डायरेक्ट लाइट सोर्स क्या होता है कि जो भी लाइट हमारे सब्जेक्ट पे पड़ती है या सब्जेक्ट के बैकग्राउंड पे पड़ती है, उस लाइट को हम डायरेक्ट या इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। और ये डायरेक्ट लाइट सीधा कैमरे, हमारे सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के साथ साथ हमारे कैमरे पे भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम सूरज का फ़ोटो खींचते हैं तो वो डायरेक्ट सूरज की जो डायरेक्ट लाइट है वो हमारे कैमरे पे आएगी, या एलईडी का हम या बल्ब का हम जो भी लाइट सोर्स है उससे निकलने वाली लाइट का हम फोटो खींचते हैं तो वो डायरेक्ट लाइट सोर्स हमारे कैमरे पे भी आती है और उसको रीड करके भी फ़ोटो खींचा जा सकता है। ज़्यादातर दोस्तों मीटरिंग मोड काम करता है रिफ्लेक्टेड लाइट के ऊपर। रिफ्लेक्टेड लाइट वो होती है जो इंसिडेंट लाइट हमारे सब्जेक्ट पे या बैकग्राउंड पे पड़ती है, उस लाइट का जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट कैमरे के अंदर आती है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूँ कि अभी मेरे फेस पे लाइट पड़ रही है, तो ये जो लाइट मेरे फेस पे या मेरी बॉडी पे जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट लाइट होगी, और मुझसे टकरा करके जो लाइट कैमरे के अंदर जा रही है वो लाइट होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। ऐसे ही बैकग्राउंड का है, बैकग्राउंड पे जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है वो बैकग्राउंड के लिए डायरेक्ट लाइट होगी इंसिडेंट लाइट, उससे रिफ्लेक्ट होकर जो भी लाइट आई है वो लाइट होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। तो दोस्तों, लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही मीटरिंग मोड काम करता है कि हमारे फ्रेम के अंदर कितने परसेंट लाइट पोर्शन है, कितना परसेंट डार्क पोर्शन है, और हमने मीटरिंग मोड किस हिसाब से, यानी कि कौन सा वाला मीटरिंग मोड हमने किस समय चूज़ करा है, वो उस के हिसाब से ही अपनी जो रीडिंग है वो देगा। यानी कि एक्सपोजर वैल्यू के लिए जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग मीटरिंग मोड उसके हिसाब से देगा, लाइट और डार्क के हिसाब से, या कौन सा वाला हमने, यानी कि किस मतलब इवेल्युएटिंग या मैट्रिक्स या स्पॉट, जो भी हमने मीटरिंग मोड सेलेक्ट करा है उस मीटरिंग मोड के आधार पर हमें एक्सपोजर वैल्यू मिलती है। तो आइएगा दोस्तों जानते हैं मीटरिंग मोड कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करता है। आइएगा दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मीटरिंग मोड, इवेल्युएटिंग मीटरिंग मोड। तो दोस्तों, ये इवेल्युएटिंग मीटरिंग मोड कैनन के अंदर होता है, निकॉन के अंदर मैट्रिक्स होता है, सोनी में मल्टी और फ्यूजी में भी मल्टी होता है। दोस्तों, मैट्रिक्स मीटरिंग मोड काम करता है, जो भी हमारा फ्रेम होता है उस फ्रेम में हम अपने जो ऑटो फोकस पॉइंट है उस पॉइंट को जहाँ भी लेके जाएंगे वो उसकी रीडिंग, उतने पोर्शन की ही रीडिंग को सेलेक्ट करके हमें एक्सपोजर वैल्यू देता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोजर वैल्यू 2500 आई हुई है क्योंकि मैंने सिर्फ उतने ही पोर्शन सेलेक्ट हुआ है, हमारा फ्रेम तो पूरा है लेकिन जो पॉइंटर है पॉइंटर के हिसाब से ये एक्सपोजर वैल्यू रीड कर रहा है। जैसे जैसे पूरे फ्रेम में मैं एक्सपोजर मतलब जो अपने पॉइंटर को जहाँ भी लेके जा रहा हूँ उतने पोर्शन की ये रीडिंग कर रहा है, उतने पोर्शन की रीडिंग करने के बाद में ये हमें एक्सपोजर वैल्यू दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा शटर स्पीड चेंज होती जा रही है। अब देखिएगा, मैंने डार्क पोर्शन सेलेक्ट करा तो इसने हमें शटर स्पीड जो है 125 की शटर या 100 की शटर स्पीड या 125 की मतलब एक्यूरेट जो भी है, यानी कि अब उसके हिसाब से हमें ये देता है। अब दोस्तों, यहाँ पे पार्सल मीटरिंग मोड है। पार्सल मीटरिंग मोड में ये पूरे फ्रेम जो हमारा पूरा फ्रेम है उसमें जो सर्किल बना हुआ आया है सिर्फ इतने ही एरिया की, ये सिर्फ इतने ही एरिया को रीड करेगा। यानी कि जो मीटरिंग मोड है, पार्सल मीटरिंग मोड है, जितने पूरे फ्रेम के अंदर ये जो सर्किल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ इतने ही एरिया को ये रीड करेगा, बाकी एरिया पे हम आउट ऑफ फोकस जो पॉइंट है हमारा पॉइंटर को हम कहीं भी लेके जाएंगे उस पॉइंटर के हिसाब से ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा कि हमारे फ्रेम के अंदर जितना बड़ा ये गोल सर्किल है इस गोल सर्किल को हम जहाँ भी लेके जाएंगे उतने ही पोर्शन के हिसाब से ये हमें मीटरिंग मोड हमें एक्सपोजर वैल्यू देगा। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर गोल सर्किल को देखो, मैंने यहाँ पर मैं डार्क पोर्शन पर लेके आया हूँ तो हमें हमारी जो एक्सपोजर वैल्यू है वो चेंज हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसी हिसाब से ये एक्सपोजर वैल्यू हमें दे रहा है। और स्पॉट मीटरिंग मोड, तो दोस्तों स्पॉट मीटरिंग मोड भी पार्सल मीटरिंग मोड के ही तरह काम करता है, क्योंकि अब इसमें देखेगा कि
पार्सल मीटिंग मोड में जो सर्किल था फ्रेम के अंदर वो बड़ा था, स्पॉट मीटिंग में सर्किल हो गया छोटा। तो सिर्फ ये सिर्फ उतने ही पोर्सिंग के फ्रेम हमारा एक ही है, एक फ्रेम में हम पॉइंटर कहीं भी लेके जाएं। जैसे इवैल्यूएट मीटिंग मोड में हो रहा था कि हमारा फ्रेम पूरा था और हम पॉइंटर कहीं भी लेके जा रहे थे, तो वो उसके हिसाब से है। बट इसमें क्या है पार्सल में और स्पॉट मीटिंग में कि सर्किल के अंदर का ही जो पोर्शन होगा ये सिर्फ उतने ही एरिया की मीटिंग मोड जो है हमें रीड डाटा रीड करके एक्सपोजर वैल्यू हमें देगा। और दोस्तों यहाँ पर सेंटर्ड वेटेड मीटिंग मोड है। सेंटर्ड वेटेड मीटिंग मोड भी क्या काम करता है कि सेंटर्ड वेटेड मीटिंग मोड जो हमारा पूरा फ्रेम है, पूरा फ्रेम को अपने हिसाब से इसका डाटा रीड करने के बाद ये हमें एक्सपोजर वैल्यू हमें देता है। हमारा पॉइंटर कहीं भी हो, हम पॉइंटर को कहीं भी लेके चले जाएं, ये पॉइंटर के हिसाब से डाटा रीड नहीं करता और ना ही इसमें सर्किल बना हुआ आता है। इसमें जो भी हमारा पूरा फ्रेम होगा उस फ्रेम में, पूरे फ्रेम में लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन होगा उस कॉम्बिनेशन को पूरा ये ऑटोमेटिक अपने डाटा कैमरे के अंदर डाटा होता है, सॉफ्टवेयर में डाटा होता है मीटरिंग का, ये उस डाटा को रीड करने के बाद हमें एक्सपोजर वैल्यू देता है। यानी कि जो हमारा पूरा फ्रेम होता है उस फ्रेम को डाटा रीड करने के बाद में लाइट और डार्क का जो भी डाटा कॉम्बिनेशन बन के आता है एक्सपोजर वैल्यू, ये कैमरा ऑटोमेटिकली हमें एक्सपोजर वैल्यू देता है। देखा कि दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं अभी मैंने अपना फ्रेम के अंदर डार्क पोर्शन ज़्यादा बढ़ा दिया है, लाइट पोर्शन कम है, तो ये डार्क पोर्शन के हिसाब से हमें एक्सपोजर वैल्यू दे रहा है। ऑटो फोकस काम कर रहा है, अब फोकस बैकग्राउंड में फोकस हो गया लाइट वाले की तरफ, अब फोकस दोस्तों यहाँ पर मैंने डार्क पोर्शन में करा है तो फोकस वहाँ पे हो गया। बट जो डाटा इसने एक्सपोजर वैल्यू दी है वो एक्सपोजर वैल्यू दी है हमारे फ्रेम के हिसाब से। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा मीटिंग मोड कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, हमने आज मीटिंग मोड के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जिससे कि दोस्तों मुझे भी मज़ा आए आपके लिए वीडियो बनाने में और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या मेरी वीडियो ज़्यादा देखी जाएगी तो मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको देखने वाले हैं। तो दोस्तों अपना प्यार मुझ पर बना ही रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।